नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध के कुछ बहुमूल्य विचार। पहला, बुद्ध कहते हैं कि जो आनंद शांत रहने में है वह शिकायत करने में नहीं है। दूसरा, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। तीसरा, बुद्ध कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। चौथा, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। पांचवा, बुद्ध कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, इसीलिए हर हाल में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। छठवा, क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। सातवा, बुद्ध कहते हैं कि ज्यादा सोचना बंद करो, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। आठवा, हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। नौवा, बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं बल्कि क्रोध की वजह से तुम्हें दंड भुगतना होगा। दसवा, कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही उत्पन्न होती है। ग्यारहवा, बुद्ध कहते हैं कि 1,000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी होता है। बारहवां, अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। तेरहवां, बुद्ध कहते हैं कि जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चौदहवां, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तो तुम स्वयं बनोगे। पंद्रहवां, बुद्ध कहते हैं कि आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। सोलहवां, मनुष्य का परिचय चेहरे से होती है, लेकिन पूरी पहचान व्यवहार गुण एवं कार्यों से होती है। सत्रहवां, बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। अठारहवां, 3 चीजें लंबे समय तक नहीं रह सकते, पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सत्य। उन्नीसवां, बुद्ध कहते हैं कि भूतकाल में मत उलझो, भविष्यकाल के सपने में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही तुम्हें खुश रहने का रास्ता है। और बीसवा, बुद्ध कहते हैं परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।